Hey everyone, मैं हूं ज्योति अस्नर द गर्ल. थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय. और आज के वीडियो में मैं सबके साथ शेयर करने वाली हूं मामा अर्थ के 10% विटामिन सी एसेंस सीरम का डेमो एंड रिव्यू. ब्रांड ने मुझे ये सीरम लास्ट मंथ सेंड किया था और एक महीने तो नहीं बट फिर भी मोर देन 20 डेज हो चुके हैं मुझे इस सीरम को डेली मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में यूज करते करते. तो आज मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं कि मुझे ये कैसा लगा है, विटामिन सी सीरम का जो काम होता है क्या ये उसे करता है एंड एवरीथिंग. तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है. और चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम पर जाकर मेरी आईडी जरूर चेक करिएगा. मैं यहां मेंशन कर दूंगी मेरी आईडी, वहां पे बहुत सारे शॉर्ट प्रोडक्ट रिव्यूज, रील्स, बिहाइंड द सीन्स पिक्चर्स आते ही रहते हैं. तो मेरी इंस्टा आईडी जरूर चेक करिएगा. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू. बता दूं मैं आपको इस सीरम का प्राइस, तो ये आता है 699 रुपीज का जिसमें मिल जाता है 30 ml ऑफ प्रोडक्ट. एंड यू कैन यूज माय कूपन कोड हमेशा की तरह मामर्थ की वेबसाइट पर जाके. इस कूपन कोड को आप यूज करोगे तो आपको इस पे या मामर्थ किसी भी प्रोडक्ट को मिल जाएगा 20% का ऑफ. और अगर मैं इसकी अवेलेबिलिटी की बात करूं तो ये मामर्थ की वेबसाइट पर तो अवेलेबल है ही है, साथ ही साथ उनके ऐप पे भी अवेलेबल है, अमेजोन, नाइका और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है. तो मेरा कूपन कोड प्लस सारे के सारे जो भी परचेज लिंक है सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए चेक कर लीजिएगा. पैकेजिंग की बात करूं तो जो सीरम की बॉटल है वो आती है इस तरीके के बॉक्स में जहां पे सारी इंफॉर्मेशन मेंशन करी हुई है. और जो सीरम है वो आता है इस तरीके के व्हाइट ओपेक ग्लास बॉटल में, साथ में कैप भी रहता है और ड्रॉपर भी रहता है. तो कैप को हटा के मैंने ड्रॉपर यहां पे लगा लिया है. तो पैकेजिंग वाइज ये काफी सही है क्योंकि जो सीरम होते हैं उनकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है. वो मतलब ग्लास बॉटल होना चाहिए और लाइट जो है उनके आर पार से नहीं जानी चाहिए, तो ही जो है सीरम लंबे टाइम तक चलते हैं. इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें यूज किया गया 10% ऑफ विटामिन सी. और विटामिन सी सीरम का जो फॉर्म इसमें यूज करा गया है वो है 3-O-ethyl ascorbic acid. और विटामिन सी सीरम जो है बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन को मतलब सन से प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ में स्किन को जो इवन टोन होती है वो देने में विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है. साथ ही साथ बहुत अच्छा स्किन ब्राइटनिंग एजेंट है, एक्ने पिंपल के मार्क्स को धीरे धीरे फेड करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ में सेल रीजेनरेशन को भी प्रमोट करता है, जिससे क्या होता है कि मतलब कह सकते हैं कि काफी अच्छा एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है. साथ ही साथ में इसमें यूज करेगा गोटू कोला का. गोटू कोला में बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ में बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है. स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, कोलेजन सिंथेसिस को प्रमोट करता है और एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है. प्री मेच्योर एजिंग को डिले करने में हेल्प करता है. और इसमें नायसिनामाइड का भी यूज करा गया है जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, स्किन को इवन टोन देने में हेल्प करता है. इन तीनों के अलावा इसमें सोडियम हायलुरोनेट का यूज करा गया है और फेरुलिक एसिड का भी यूज करा गया है. ओवरऑल जो इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है इस सीरम की मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगी है. और बता दूं आपको कि इसमें पैराबिन नहीं है, कोई भी मिनरल ऑयल या फिर डाइज वगैरह का यूज नहीं किया गया, बट इसमें फ्रेग्रेंस है. ये सीरम फ्रेग्रेंस फ्री नहीं है, बहुत ही माइल्ड सी इसमें फ्रेग्रेंस है. क्लेम्स की बात करूं तो ब्रांड का कहना है कि ये जो सीरम है ये स्किन इल्यूमिनेशन के लिए है और इवन स्किन टोन को प्रमोट करने में हेल्प करता है. बात करूं अगर मैं इसके टेक्सचर कंसिस्टेंसी की तो मैं आपको दिखा देती हूं. देख सकते हैं आप इस तरीके का ये सीरम जो है ट्रांसपेरेंट है एंड रनी कंसिस्टेंसी का है. ये काफी लाइट वेट सा इसका फॉर्मूला है बट हल्का सा स्टिकी लगता है स्किन पे लगाने पे, बट वो जो स्टिकीनेस है वो अप्लाई करने के लगभग 2 से 3 मिनट बाद चली जाती है. तो स्किन में तब ये बिल्कुल अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है और कोई भी स्टिकीनेस नहीं रह जाती, इवन पता भी नहीं चलता कि कोई सीरम वगैरह अप्लाई किया हुआ है. तो ये चीज मुझे इसकी अच्छी लगी कि हाँ ये स्किन पे हैवी नहीं है, इसका काफी लाइट वेट सा फॉर्मूला है और जो स्टिकीनेस है इसमें बहुत थोड़ी सी स्टिकीनेस है वो भी लगभग 2 से 3 मिनट बाद सेटल हो जाती है जब ये कंप्लीटली स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है. बता दूं आपको कि मैं इसको कैसे अप्लाई करती हूं. मैं इसको डेली मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में यूज करती हूं. ब्रांड का कहना है कि आप इसको दोनों टाइम मॉर्निंग एंड नाइट यूज कर सकते हैं, दैट इज टोटली योर चॉइस. नाइट में मैं अदर सीरम अदर प्रोडक्ट्स यूज करती हूं, इसलिए मैं इसको मॉर्निंग में ही यूज कर रही हूं. एंड बस मैं मेरे फेस को वॉश करके इसकी 3 से 4 ड्रॉप्स मेरे स्किन पे डाल के और अच्छे से मसाज कर लेती हूँ बिल्कुल हल्के हाथों से. एंड जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा मुझे स्टिकी लगता है मेरे स्किन पे, बट क्योंकि काफी लाइट वेट सा फॉर्मूला है तो 2-3 मिनट में कम्प्लीटली सेटल हो जाता है मेरे स्किन पे. उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ मेरा मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन. सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी अगर इस टाइप का सीरम या एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करें और नहीं भी यूज करें तो भी सनस्क्रीन मस्ट है आपके स्किन केयर रूटीन में.
बात करूं अगर मैं सीरम को लेकर अपने एक्सपीरियंस की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे इसको यूज करते करते मोर देन 20 डेज हो चुके हैं और मैं डेली इसको कंटिन्यूअसली मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में यूज कर रही हूं। स्टार्टिंग के 5-6 डेज मुझे कुछ भी डिफरेंस, ऐसा नोटिसेबल डिफरेंस नहीं दिखा, बट यस, यूज करने के तुरंत बाद ही मेरी स्किन को बिल्कुल हाइड्रेटेड बनाता है, बिल्कुल प्लम्प लगती है मेरी स्किन। में भी इसमें जो है सोडियम हाइलुरोनेट वगैरह का यूज करा गया है, ग्लिसरीन का यूज करा गया, इसलिए तो इसको लगाने के तुरंत बाद मेरी स्किन प्लम्प और काफी ज्यादा हाइड्रेटेड लगती है। बट अगर मैं स्किन ब्राइटनिंग वगैरह के मामले में देखूँ तो मुझे स्टार्टिंग के 5-6 डेज कुछ भी डिफरेंस नहीं नजर आया, बट आफ्टर मोर देन अ वीक मुझे मेरी स्किन हल्की ब्राइट लगने लगी। तो ये स्किन ब्राइटनिंग का ये काम कर रहा है मेरी स्किन के लिए। और साथ ही साथ में अगर मैं एक्ने पिंपल के मार्क्स की बात करूं, जो मेरा मेन कंसर्न है, तो जो मेरे थोड़े बहुत एक्ने पिंपल के मार्क्स हैं उसे भी इसने थोड़ा फेड किया है। एंड इस टाइप के जो सीरम होते हैं एक्ने पिंपल के मार्क्स को जो टारगेट करते हैं या फिर इवन स्किन टोन को टारगेट करते हैं, उनको अच्छे तरीके से काम करने के लिए कम से कम 4-6 वीक्स देना ही पड़ता है। एंड मैं जो रिव्यू अभी आज पोस्ट करी हूँ, ये कह लीजिए कि 22 डेज यूज करके रिव्यू अपना आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरे स्किन ब्राइटनिंग मुझे फील हुई है, मतलब दिखाई देती है, डिफरेंस नजर आता है। साथ ही साथ में एक्ने पिंपल के मास्क को भी इसने थोड़ा बहुत फेड किया है, तो यस, काम तो ये कर रहा है मेरी स्किन से। सो यार, फाइनली मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप एक स्किन ब्राइटनिंग सीरम देख रहे हो या फिर आपकी अनइवन स्किन टोन है थोड़ी बहुत उसके लिए देख रहे हो या फिर एक्ने पिंपल के मार्क्स हैं उनको फेड करने के लिए देख रहे हो, तो ये सीरम एक अच्छा ऑप्शन है। और इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, इट इज क्वाइट इम्प्रेसिव। एंड विटामिन सी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि हर स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, मोस्टली स्किन टाइप को विटामिन सी सूट करता ही है। साथ ही साथ में इसमें जो अदर इंग्रेडिएंट्स का यूज करा गया है वो भी लाइक गोटू कोला हो गया, नायसिनामाइड हो गया, ये सारे जो इंग्रेडिएंट है ये इवन सेंसिटिव स्किन वाले, एक्ने पिंपल प्रोन स्किन वाले भी आराम से यूज कर सकते हैं। इसी विटामिन सी रेंज में आता है मामाअर्थ का ये विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, जिसकी प्राइस है 299 रुपीज, जिसमें मिल जाते हैं कुछ 80 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है जो कि समर में मॉनसून में यूज किया जा सकता है, और इसमें भी विटामिन सी के साथ साथ गोटू कोला का यूज करा गया है। तो इसमें भी कह लीजिए कि विटामिन सी है, गोटू कोला है, विटामिन ई है, देन टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक ओट्स एक्सट्रैक्ट है, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स का इसमें यूज करा गया है। तो अगर आप एक विटामिन सी बेस्ड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर देख रहे हो तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। बता दूं आपको कि मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड देयर प्रोडक्ट्स एज वेल एज द वैल्यूज दे स्टैंड फॉर, एंड मामाअर्थ एम्स टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज बाय 2025। जब भी हम उनकी वेबसाइट से कुछ परचेज करेंगे तो हमारे उस ऑर्डर को वो लिंक करेंगे एक ट्री से जिसे वो हमारे बिहाफ पे प्लांट करेंगे, एंड दैट्स हाउ दे एम टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज बाय 2025, एंड दैट्स अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव। साथ ही साथ में मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं टॉक्सिन फ्री और उनमें होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, और इस टाइप के जो टॉक्सिन इंग्रेडिएंट्स होते हैं या टॉक्सिक्स होते हैं उनको अवॉइड करना हमारी स्किन के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये जो टॉक्सिक मटीरियल्स होते हैं ये एनवायरनमेंट को बहुत हार्म पहुंचाते हैं प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्पोजल स्टेजेस पे। सो यार, ये था मेरा रिव्यू मामाअर्थ के 10% विटामिन सी एसेंस सीरम के लिए। अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करो तो आप जरूर शेयर करेगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि जो अदर व्यूअर्स होते हैं, जो वीडियो देखते हैं, जो कमेंट्स पढ़ते हैं, उनकी आपके एक्सपीरियंसेस से बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चियर।